आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ सिविल अस्पताल में श्रद्धांजलि भी दी गई और अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। खबर लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सिविल अस्पताल में श्रद्धांजलि देकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित भी किए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर आज देखा जाए तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। जी, उसका आपको बता दें कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पे मना रही है। इस वक्त मैं रसोई हाल में हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री वहां के कुछ घंटों पहले आए थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है और यही पुष्प अर्पित करके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो तमाम उनके बनाए हुए ऐसे चीजें थी जिसपे मुख्यमंत्री ने बात किया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पे आज धावा बोलते उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो तुष्टिकरण की राजनीति थी उससे कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कद था वो उस हद तक नहीं पहुंच पाया। साथ ही साथ आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश आजाद हुआ तो पहली सरकार बनी तो जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी, उस सरकार में आपके उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। साथ ही साथ उनकी तरफ से जब पहले कार्यकाल में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, यानी कि आपको बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है और साथ ही आपको बताया कि उनकी तरफ से कैबिनेट में रहते हुए तमाम ऐसे काम किए गए जो आज भी लोगों जो कि नेता है उनके लिए एक सबक है, उनके लिए एक सीख है। नहीं, आपको बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर देखें तो उनके जो बलिदान थे जो आज बलिदान दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि देखें तो कश्मीर के अंदर में जब 144 दिन की सजा हुई थी उस दौरान उन्हें बहिष्कृत तरीके से उनकी मौत हो गई थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी थी जो और साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक के सदस्य थे। अभी आपको बताया कि जब देश आजाद हुआ तो देश के अंदर में 2 संविधान लागू किया गया, कश्मीर के अंदर में दोहरी नागरिकता दी गई, साथ साथ दोहरा संविधान दिया गया, दोहरा झंडा दिया गया, इसके प्रखर विरोधी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इन सब चीजों को लेकर वो अपने मंत्रिमंडल की जो पहली मंत्रिमंडल से दोहरी संविधान लगाई गई उसके खिलाफ के साथ साथ उनका कहना था कि एक नेशन एक झंडा एक संविधान। साफ तौर पर आप नुकसान समझ सकते हैं कि उनके जो विचार थे वो एक देखा कि भारत के अंदर में अगर देखे तो जो एक संविधान है वो लागू हो सबके लिए एक नियम हो इसको लेकर वो हमेशा आवाज भी बुलंद किया करते। वही आपको बताए की तरफ से तमाम ऐसे काम किए गए जो सरकार में रहते हुए साथ ही साथ महज 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति बने थे और उन्होंने 33 साल की उम्र में कुलपति के साथ साथ रहते हुए तमाम ऐसी पढ़ाइयां की जिसकी वजह से वो तमाम ऐसे केसेस भी लड़े, बैरिस्टर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। विभांशु, का देखा जाए तो आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे तो उनके साथ और कौन कौन से मंत्री मौजूद रहे? आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस सामने जो तस्वीरों में देख सकते हैं प्रतिमा को जब पुष्प अर्पित कर रहे थे तो उनके साथ मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक मौजूद रहे और
जब ये कुछ पार करने के बाद यहाँ से निकल कर और ठीक है, आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पतालों में जो भी आए हैं उसके भी जायजा लिए गए, साथ ही साथ मरीजों से बात की गई, उनका भी हाल चाल जाना गया कि उनके जो इलाज की गुणवत्ता है वो क्या है। और मुख्यमंत्री यहाँ संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति थी उससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो सम्मान जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली थी। वही आपने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे और उनकी तरफ से जो नेशन फर्स्ट की थी उनकी तरफ चलाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी उनके आदर्शों पर चलकर आज देखे तो तमाम राज्यों में और केंद्र में स्थापित है। और वही आपने बताया कि ये 370 के प्रथम विरोधी थे और 35A के, तो इन सभी जो उनके सिद्धांत थे उसको हाल ही के दिनों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 370 हटाकर कहीं ना कहीं शाम प्रसाद मुखर्जी के जो सपने थे जो वन नेशन वन थ्योरी थी उसको जो देखा जाए तो उनके तमाम जो नैतिक सिद्धांत थे उसको देखते हुए और उनके कहे गए बातों पर उनके द्वारा पालन किया गया। बिल्कुल, धन्यवाद दिव्यांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुरादाबाद में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस बार समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक और उसके दो भाइयों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। इस दौरान भारी पुलिस बल सहित सीओ भी मौके पर मौजूद रहे, तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह करोड़ों की संपत्ति पुलिस प्रशासन द्वारा जमींदोज की गई और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था, साथ ही साथ सीओ भी मौजूद रहे। मलिक नाम के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टीज है उनकी जब्ती करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हथला क्षेत्र में ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, एक रेजिडेंशियल एरिया है, दूसरा एक बैंक्वेट हॉल है जिसके नाम पे। संत कबीर नगर में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिले में लंबे समय से अवैध रूप से संचालित 3 हॉस्पिटल्स को प्रशासन ने सील कर दिया। वही प्रशासन की माने तो जो भी लोग अवैध या मानक विहीन अस्पताल का संचालन कर रहे हैं उन सभी अस्पतालों को सील किया जाएगा और संचालक पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। खबर छापेमारी हो रही है और पिछले 15 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसके तहत जो है तीनों तहसीलों में कुल मिलाकर के जो है अभी तक लगभग 11 सील करने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें से अभी किसी का भी खुला नहीं है क्योंकि विधिक कार्रवाई है। अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, प्रॉपर सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, डॉक्टर्स बैठेंगे, सारी प्रक्रिया होगी तभी खुलने की कोई कार्रवाई होगी, नहीं तो इनके ऊपर FIR किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। सर देखा जा रहा तमाम ऐसे चेक करना है। देखिए जो हम लोग रजिस्ट्रेशन अब दे रहे हैं, पहले डॉक्टर जो डॉक्टर बैठता है उसको हम बुला के यहाँ उसका इंटरव्यू लेते हैं कि वो डॉक्टर जेन्युइन है कि नहीं और उससे पूछते हैं कि आप बैठोगे कि नहीं बैठोगे। तो अब चेकिंग के दौरान वो रजिस्ट्रेशन तो हमने कर दिया लेकिन अब वो बैठ रहा है कि कोई और बैठ रहा है इसकी चेकिंग ही तो हो रही है। ऐसे भी हमारे जो है सील किए जाएंगे कि यदि जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर बैठ ही नहीं रहा तो भी सील करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, अगर देखा जाए तो संत कबीर नगर में अवैध तरीके से अस्पताल संचालित हो रहे थे उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, तो उस दौरान कितने हॉस्पिटल्स को सील किया गया है और उनका नाम क्या क्या है? देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन की तरफ से अवैध तरीके से संचालित हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाती रही है। लगभग ये 15 दिनों से टीम जो है जिले के 3 तहसीलों में घूम रही है और लगातार फर्जीवाड़ों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 11 अस्पताल अब तक के जिले में सील किए जा चुके हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जो भी अवैध रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी मुस्कान, अगर देखा जाए तो वो 3 हॉस्पिटल्स कौन से हैं जनपद में जिन्हें सील किया गया है? लेकिन मुस्कान, आपको बता दें कि अपूर्वा हॉस्पिटल था और जो है संत कबीर आई हॉस्पिटल के साथ साथ एक हॉस्पिटल और है जो जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिसमें अपर उप जिलाधिकारी के द्वारा कल जो है कार्रवाई की गई है और इसमें तीनों हॉस्पिटल को सील किया गया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि इन तीनों हॉस्पिटल के संचालकों के प्रति जो है मुकदमा दर्ज की जाए और जो भी अवैध तरीके से हॉस्पिटल पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी जी,
जी, अगर देखा जाए तो प्रशासन द्वारा 3 अस्पताल को सील तो कर दिया गया है, लेकिन जिन जो अस्पताल के संचालक थे उन पर क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है या अभी वो प्रशासन के रडार से बाहर है? मुस्कान, आपको बता दें कि लगातार ये 15 दिनों से जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बकायदा इसमें टीम गठित की गई है, 3 तहसील के क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में टीम जाकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध हॉस्पिटल संचालक जो पाए गए हैं उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूरी तरीके से पुलिस उसमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है और साथ ही में स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है कि आखिरकार ये अवैध हॉस्पिटल का संचालन और संरक्षण कौन दे रहा था और कौन कौन इसमें संलिप्त है, उस पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। जी धन्यवाद इस खबर पर जुड़कर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की जमीन कुर्क कर ली है। वहीं मऊ पुलिस ने मुख्तार के पत्नी अफसा अंसारी की करीब 3.50 करोड़ रुपए की कीमती जमीन को कुर्क कर दिया है और ये जमीन सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गाँव में मौजूद है जहाँ कुर्की की कार्रवाई की गई। तो आपको बताते चले कि माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब मुख्तार की पत्नी की जमीन पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये जमीन सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गांव में मौजूद है जहां पर प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई और इस जमीन की कीमत तकरीबन 3.50 करोड़ के करीब बताई जा रही है। श्रीमती अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी की संपत्ति है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति है। अराजी संख्या 70 शेखपुरा, लगभग 235 एयर, बाजारू मूल्य इसका करीब 3.5 करोड़ है। ये मुकदमा अपराध संख्या 8/22 गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। दक्षिण टोला के मुकदमे में मऊ के उसी के तहत इनकी धारा 14(1) के तहत संपत्ति मऊ के जिलाधिकारी महोदय के कल के दिनांक 21/6/2022 के आदेश से कुर्क की गई है। तो आपने सुना किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जो जमीन कुर्क की गई है मुख्तार अंसारी की पत्नी की, उसके बारे में जानकारी दी गई कि ये जमीन किस तरह से किस कार्रवाई के तहत कुर्क की गई और ये जमीन सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गांव में मौजूद है। वही आपको बताते चले कि मऊ पुलिस ने मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की करीब 3.50 करोड़ की जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब मुख्तार की पत्नी के नाम पर जो जमीन थी उस पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है और ये जमीन सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गांव में मौजूद है जहां पर प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई। वही आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और साथ ही साथ एक बोर्ड भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, अगर देखा जाए तो गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो अभी तक कुल कितनी संपत्ति मुख्तार अंसारी की कुर्की की गई है? जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कल देर शाम मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर जो बेनामी संपत्ति थी उसे कुर्क किया गया। मऊ प्रशासन द्वारा गाजीपुर में ये कुर्की की कार्रवाई की गई और इसके पहले भी गाजीपुर प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की लगभग करीब 70-75 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। धन्यवाद पवन मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलंदशहर में लूट की घटना में एक नया मोड़ सामने आया है जहां पुलिस जांच में साबित हुआ कि लूट और ठगी हुई ही नहीं है और पीड़ित द्वारा बताया गया कि पैसों से भरा बैग उसके हाथ से नहीं झपटा गया था बल्कि बैग गाड़ी में रखा हुआ था। गाड़ी में उसका दूसरा साथी भी बैठा हुआ था। पीड़ित सामान लेने के लिए गाड़ी से उतर कर एक दुकान पर गया हुआ था, वापस आया तो उसे वो बैग नहीं मिला। लेने गया हूं। मेरे भैया गाड़ी में बैठे थे, इसी दौरान किसी ने वो बैग उठा लिया। तो आप तो ये आपने पहले ये बोला था कि मेरे हाथ में से दो बदमाश आए और बैग छीन के ले गए। मैंने इस वजह से बोला था, मैंने कॉल करी थी 112 पर। हाँ, इस वजह से कही थी मैंने 112 पर, यही बताई थी। तो आपने झूठी सूचना दी थी पुलिस को लूट की?
लूट तो हुई है ही आपके सामने है, लूट तो हुई है, जब हम यहाँ खड़े हैं क्यों खड़े रहते। आपने ये कहा था ना कि हाथ में से छीन के ले गए बदमाश, आपके लेने के बाद गलत थी। अच्छा हाँ, जो बात सत्य है वो सत्य बता रहे हैं। वहाँ पे रखे थे, यहाँ पे रखे थे। पहले इन्होंने लूट की सूचना दी थी, एक चंद्र प्रकाश शर्मा है, यहाँ जुहरपुर खलसिया के रहने वाले हैं। तो लेकिन जब पूरी घटना को हम लोगों ने एक सिक्वेंस में क्रम में छानबीन किया, इनसे पूछताछ की, तो ये तथ्य प्रकाश में आया, ये जिस छोटा हाथी पे बैठे हुए थे उसमें इनका साथी ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, ये खुद कोल्ड ड्रिंक लेने। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर तिराहे के पास एक बाइक सवार तीन युवकों ने एक व्यक्ति से उसका मोबाइल छीनकर फरार होने की कोशिश की। तभी लोगों ने मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे बाइक सवार दो युवकों को दबोच लिया। इस दौरान एक चोर मौके से भागने में सफल हो गया और लोगों ने चोरों से मोबाइल बरामद कर दोनों चोरों को जमकर पीटा। उसके बाद चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो है ना, बात करते हुए आ रहे थे फोन पे, उनका मोबाइल छीन के एकदम भागे, आगे से गाड़ी आई उससे ये लोग टकराए, उसके बाद में ये लोग पकड़ लिए, सब लोगों ने इनको यहाँ पे पकड़ लिया। उसके बाद इनको पकड़ के है ना थोड़ा पब्लिक ने पीटा, लालंगी स्प्लेंडर पे, और सर थे भाजपा उधर से आ रहे थे, वो तीन जने थे, मोबाइल छीन के भागे थे, इसके पीछे एक आदमी भागा था और पकड़ में नहीं आ रहे थे, पकड़ तो लिया था, ये भागते जा रहे अगर उससे मोटरसाइकिल आई थी और उनने मोटरसाइकिल टकराई, सोई वहाँ से नीचे गिर गई, फिर पब्लिक ने मारा सर तबीयत से, और मोबाइल छीन के इन्होंने बरामद किया है उस लड़की का, दूसरे आदमी का बरामद किया है, मोबाइल उसके पास था। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाने की पुलिस ने चोर गैंग का पर्दाफाश किया। शातिर चोरों के पास से 5 मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा के साथ एक चाकू भी बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि भवानीगंज थाना क्षेत्र में इस समय मोटरसाइकिल चोरी की वारदात काफी बढ़ गई थी। इस घटना को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कार देकर सम्मानित किया है, साथ ही गैंग के शातिरों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। विगत दिनों कई मोटरसाइकिल जो थाना भवानीगंज से और सोनहा जनपद बस्ती से चोरी चली गई थी, जिन पर भवानीगंज के थाना प्रभारी महेश सिंह अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, एक अरविंद कुमार और एक अभिषेक भट्ट नाम का अभियुक्त है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो कि जिसमें से 4 स्प्लेंडर हैं, हीरो स्प्लेंडर और एक हीरो पैशन प्रो है। ये मोटरसाइकिल भवानीगंज थाना क्षेत्र और सोनहा थाना क्षेत्र से चोरी गई थी और इनके पास से एक कंट्रीमेड तमंचा भी बरामद हुआ। अलीगढ़ में एक दुकानदार मालिक और उसके किरायेदारों की दुकान के छत से लिंटर काट दिया गया। इस मामले में पीड़ित किरायेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लिंटर को तोड़ने के साथ दुकान में रखा कीमती सामान भी चुरा लिया गया है। पीड़ित की तरफ से थाने में तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इलाका पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जानकारी मिली कि दुकानदार 20 सालों से यहाँ रहकर किराया दे रहे हैं, तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकान का लिंटर है वो तोड़ दिया गया है, जिसके बाद मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जो दुकानदार हैं उन्होंने उठाई है। साथ ही उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो 20 साल से यहाँ पर अपनी दुकान चला रहे हैं और वो दुकानदार को और वो जो दुकान के मालिक हैं, दुकानदार उनको किराए भी एकदम सही समय पर दे रहे हैं। मेरा होटल ये गुरु ढाबा 92 से चल रहा है, इतना पुराना। ये दुकान मालिक मेरे पे दबाव डालता है, तो होटल खाली करो, होटल खाली करो, तो ऐसे कैसे खाली करते हैं सर। मेरा परिवार का पलन बाहर, यही से पूरा परिवार इससे होटल से पलता है। इसने कल रात को हमारे जाने के बाद होटल का लैंडर तोड़ दिया उसने। मेरा कम से कम 22,000 रुपये गले में पड़े हुए थे, वो चोरी हो गए हैं, और ज़रूरी कागजात थे वो चोरी हो गए हैं। आगे मुझे डर है, एक तो पानी गिरेगा होटल में और कोई असामाजिक तत्व या कोई जहरीली चीज़ मिला दे खाने में, कोई हादसा हो जाए किसी के साथ, उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं चाहता हूँ इनके साथ खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, धर्मेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ। मैं श्री बाबूलाल मिष्ठान केंद्र का ओनर हूँ और कल मकान मालिक ने जो महेंद्र प्रसाद शर्मा है उनके भतीजे ने तीनों चारों दुकानों में छेद किया और मेरा काउंटर
और दूसरी बात क्या है, मैं हर महीने किराया देता हूँ, हर महीने रसीद लेता हूँ। मेरी तरफ कोई किसी का कोई बकाया भी नहीं है कि ये हुआ हो। उन्होंने मेरा लेंटर तोड़ के काउंटर शोकेस वगैरह इनमें तोड़ा और मेरा बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात, मैं 82 से किराएदार हूँ। आपको हर महीने किराए की रसीद मिलती है? जी हाँ, हर महीने। आपने कोई शिकायत करी है पुलिस प्रशासन को? जी जी, हमने कल जो है अपना FIR दर्ज कराया है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मिठाई का कारोबार है, अभी ऊपर से छेद में से कुछ जहर प्रसाद वगैरह डाल दें तो उसका क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा मंदिर सामने, मैं प्रसाद बनाता हूँ हर मंगलवार को, हर सोमवार को, अगर कल कोई बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायी कौन होंगे? उसके उत्तरदायी यही होंगे। हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, अगर देखा जाए तो एक खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है जहां मालिक के खिलाफ एक दुकानदार ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है कि उसके दुकान का लिंटर तोड़ दिया गया है, तो क्या कुछ ये मामला निकल के सामने आ रहा है? ठीका, मैं आपको बता दूं, ये मामला एक दुकानदार और एक बिल्डिंग के तीन दुकानदार रहते हैं, उसका मामला आ रहा है और उसमें खाने पीने की दुकान है। उनका कहना ये भी है, हम लगातार 30 से 35 साल से किराया देते हुए आ रहे हैं, उनके पास वो रसीद भी है और उसके बावजूद चलते हो उसकी जो दुकानों की छतें तोड़ दी गई हैं और लेंटर इस तरीके से तोड़ दिया गया है कि अगर अंदर कोई आके उनके खाने में जहरीला पदार्थ वगैरह अगर मिला दिया जाए और उनके साथ कोई घटना भी हो सकती है, इस तरीके की बात कही जा रही है दुकानदारों द्वारा। और दुकानदारों द्वारा लगातार प्रशासन से शिकायत भी करी जा रही है और उनको ये भी कहा जा रहा है कि हमारी मदद करी जाए क्योंकि हम बहुत पुराने किराएदार हैं इस बिल्डिंग में। सोनभद्र में हर्ष फायरिंग के दौरान वहां मौजूद एक आर्मी के हवलदार को गोली लग गई और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में एक विवाह समारोह में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान वहां मौजूद आर्मी के हवलदार को गोली लग गई और कुछ दिन पहले ही वो छुट्टी पर घर आया था। कहा जा रहा है कि शादी की जश्न के दौरान दूल्हे ने ही हर्ष फायरिंग कर दी जिससे वहां मौजूद हवलदार को गोली लग गई, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। से निकल के सामने आ रही है जहां पर एक हर्ष फायरिंग के दौरान एक आर्मी के हवलदार को गोली लग गई। वहीं आपको बताते चले कि हवलदार कुछ ही दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था जहां शादी समारोह में एक दूल्हे ने ही अपनी शादी के दौरान अपनी बारात के दौरान गोली चला दी जिससे हवलदार को गोली लग गई, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल तो ले जाया गया लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया गया जिससे शादी का माहौल एकाएक मातम में तब्दील हो गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हवलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह सरेआम भरी बारात में लोगों के बीच दूल्हा हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर देखा जाए तो शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने अपनी ही बारात में हर्ष फायरिंग की जिससे सेना के हवलदार की मौत हो गई है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी दीपक, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो खबर सोनभद्र से निकल के सामने आ रही है जहां हर्ष फायरिंग के दौरान एक आर्मी के हवलदार को गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में तो भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।